देखिए, पिछली क्लास में हम गॉस का प्रमेय पढ़े थे और गॉस के प्रमेय आपने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू क्या होता है? इनक्लोज्ड चार्ज होता है। इनक्लोज्ड मतलब बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश। जैसे मान लिया आपको ये कोई आपको बंद पृष्ठ है, इसके भीतर में मान लिया आपको Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और बाहर क्या है Q3 चार्ज है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स बताइए, तो इस बंद पृष्ठ से परिबद्ध जो वैद्युत फ्लक्स होगा, आप इसको ऐसे लिखाइए, आप फाइ से डिनोट कर दीजिए, ये कितना होगा क्यू। ये जो क्यू होता है वो बंद पृष्ठ के भीतर का चार्ज होता है, यानी आपको ये होता है क्यू इनक्लोज अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम है तो यहीं पर क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। तो इनक्लोज्ड, इनक्लोज मतलब जो चारों तरफ से बंद है, तो ये पृष्ठ के भीतर में इनक्लोज्ड चार्ज कौन है, Q1 और Q2। ये आपको क्या है, ये वाला जो चार्ज है ये पृष्ठ के बाहर है, तो Q इन के भीतर में केवल Q1 और Q2 आएगा, यानी आपको ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, Q3 नहीं आएगा। तो ये आपको जो फार्मूले आपको गॉस के प्रमेय में ये जो क्यू है, ये क्यू इनक्लोज्ड होता है, INCLOSED, इनक्लोज मतलब जो चारों तरफ से बंद है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग या गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस, कभी कभी आपको यह परिभाषा में पूछ लिया जाता है कि गॉसियन पृष्ठ किसे कहते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, किसी भी आवेश को परिबद्ध करने वाला काल्पनिक पृष्ठ क्या कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। परिबद्ध मतलब जो उसको चारों तरफ से बंद कर पाए। तो किसी आवेश को या केवल आवेश को लिख सकते हैं, आवेश को परिबद्ध, परिबद्ध मतलब चारों तरफ से बंद, इनक्लोज। किसी आवेश को परिबद्ध करने वाला काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। देखिए, अगर आपको आवेश बिंदुवत है तो गॉसियन पृष्ठ गोलाकार होगा, अगर आवेश गोलाकार है तब भी आपको गॉसियन पृष्ठ आपको गोलाकार होगा, लेकिन अगर आवेश आपको किसी तार पर है यानी बेलनाकार है तब भी आपको गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा, बेलनाकार, समाक्ष बेलनाकार, यानी तार और गॉसियन पृष्ठ दोनों का आपको अक्ष क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन अगर आपको आवेश किसी सतह पर है, अगर आपको अनंत लंबाई के किसी शीट पर है, तो आपको गॉसियन पृष्ठ आपको क्या होगा, सीट के लंबाक्ष आपको बेलन होगा। तो हम इसके बाद आते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पर। तो अगली हेडिंग आपको है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, देखिए गॉस का प्रमेय कहां पर वैलिड है, यहां पर हाईली सिमेट्रिसिटी होती है, तो इसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र सभी आवेशों के कारण नहीं निकाल सकते हैं, हम वहीं पर निकाल सकते हैं जहां पर हाईली सिमेट्रिसिटी होती है। जैसे बिंदु आवेश के कारण निकाल सकते हैं, गोली आवेश के कारण निकाल सकते हैं, अनंत लंबाई के तार के कारण निकाल सकते हैं, और आपको अनंत विस्तार के सीट के कारण आप निकाल सकते हैं। तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, यानी गॉस के प्रमेय से हम क्या निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, ऐसे आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं जिसमें हाईली सिमेट्रिसिटी है। तो पहला हम लोग आ रहे हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। देखिए, यह भी निगमन के रूप में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गॉस का प्रमेय क्या है, इसकी सहायता से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का
वैद्युतच्छेद के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर आपको क्या निकालना, वैद्युतच्छेद निकालना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हमारे पास देखिए कितने स्टेप होते हैं। पहला स्टेप यह होता है, सबसे पहला हम आवेश को दिखाते हैं, क्योंकि आवेश कैसा है, बिंदु आवेश है। तो सबसे पहले हम आवेश को दिखाएंगे, तो मान लिया आपको आवेश क्या है, प्लस क्यू है। दूसरा आपको उस बिंदु को दिखाना है जहां पर वैद्युतच्छेद का मान ज्ञात करना है, तो मान लिया आपको वैद्युतच्छेद का मान कहां पे ज्ञात करना है, क्यू आवेश से आर दूरी पर, क्यू आवेश से आर दूरी पर किसी पॉइंट पी पर वैद्युतच्छेद का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला कार्य उस आवेश को दिखाएंगे जिसके कारण वैद्युतच्छेद ज्ञात करना है, दूसरा कार्य करेंगे उस पॉइंट को दिखाएंगे जहां पे वैद्युतच्छेद का मान ज्ञात करना है। अब बताइए दोनों के बीच की दूरी कितना है, स्मॉल आर, क्योंकि आपको ये बिंदु आवेश है, बिंदु क्या होता है, जीरो त्रिज्या का गोला यानी गोला ही होता है। तो गोली आवेश का जो गॉसियन पृष्ठ होता है वो संकेंद्री गोला, संकेंद्री यानी दोनों का केंद्र क्या हो, सेम हो। तो पहला काम आवेश को दिखा, दूसरा पॉइंट को, तीसरा काम क्या करेंगे, हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और गॉसियन पृष्ठ यहां पर क्या होगा, गोला होगा। तो बिंदु आवेश का गॉसियन पृष्ठ गोला होगा, तो जो सेंटर इस गॉसियन पृष्ठ का है वही सेंटर, यानी आपको इस गॉसियन पृष्ठ का सेंटर कहां पर होगा, इस आपको आवेश के सेंटर पे। तो चूंकि आवेश ये बिंदुवत है तो बिंदु का, तो बिंदु आवेश का सेंटर आपको यहीं पे कार्य करेगा और ये गॉसियन पृष्ठ का भी सेंटर आपको यहीं पे काम करेगा। तो पहला काम क्या किया, आवेश को दिखाया, दूसरा काम किया बिंदु पी को दिखाया जहां पे वैद्युतच्छेद का मान ज्ञात करना है, तीसरा काम क्या किया, आर त्रिज्या का गोली गॉसियन पृष्ठ खींचा, चौथा काम क्या करेंगे, बिंदु पी के चारों ओर लघु क्षेत्रफल और डीए लेंगे। आपको पीछे हम जिक्र कर चुके हैं, ये दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखाया, लेकिन आपको ये जो क्षेत्रफल है ये बिंदुवत है, जीरो को टेन यानी बहुत स्मॉल है। अगला काम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल अवयव की दिशा को दिखाएंगे। तो देखिए आपको ये गोले, गोले के किसी बिंदु पर अगर हम लंब खींचेंगे तो लंब खींचने का यहां पे तरीका क्या होता है, केंद्र को उस पॉइंट से मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, तो आपको गोले पर लंब क्या होता है, त्रिज्या की दिशा में होता है। तो इस पॉइंट पर डीए की डायरेक्शन क्या होगी, त्रिज्या दिशा में बाहर गोर, चूंकि आपको आवेश धन है तो धनावेश के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युतच्छेद की दिशा क्या होती है, आवेश को बिंदु से मिलाते हुए दूर की तरफ। आप कैसा वैद्युतच्छेद निकालेंगे, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, इस लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युतच्छेद निकालेंगे, फिर संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर उसी को सॉल्व करेंगे। तो चित्र हम इस तरीके से, तो चित्र ऐसे बनाया जाता है, इसको थोड़ा सा सही से चित्र बना लेते हैं। अब बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बनाने को तो कैसे कॉन्सेप्ट क्या हुआ आपको बता दिए, लेकिन बनाए कैसे, आप सबसे पहले आप गोला ही बना लीजिए। तो हम लोगों ने, क्योंकि आपको ये गॉसियन पृष्ठ क्या है, ये काल्पनिक आपको पृष्ठ होता है, तो हमने इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया और इसी के सेंटर पर हमने मान लिया आपको कोई बिंदुवत आवेश क्या है, प्लस क्यू है। कहां पर वैद्युतच्छेद का मान ज्ञात करना है, ये इसके सतह पर वैद्युतच्छेद का मान ज्ञात करना है। तो सतह पर पॉइंट क्या है, बिंदु पी, यहां पर आपको तो यहां पर आपको पॉइंट पी है और यहां पर डीए की डायरेक्शन क्या होगी, त्रिज्या दिशा में बाहर को, तो डीए की डायरेक्शन होगी त्रिज्या दिशा में बाहर की ओर और वैद्युतच्छेद की भी डायरेक्शन क्या होगी, त्रिज्या दिशा में बाहर की ओर। तो पहला, अब ये दूरी गोले की त्रिज्या मान लिया कितना है, स्मॉल आर है। तो हम लोगों ने पहला काम क्या, बिंदु आवेश को दिखाया, दूसरा काम उस पॉइंट को जहां पे वैद्युतच्छेद का मान ज्ञात करना है, तीसरा काम आर त्रिज्या का गोली गॉसियन पृष्ठ खींचा, चौथा काम क्या किया, बिंदु पी के चारों लघु क्षेत्रफल अवयव डीए स्थित है, डीए की डायरेक्शन क्या होगी, त्रिज्या दिशा में बाहर गोर और बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, त्रिज्या दिशा में बाहर गोर। पहला काम करेंगे लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, दूसरा काम करेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो पहला हम इसकी भाषा लिख लेते हैं, माना बिंदु ओ पर कोई आवेश प्लस क्यू स्थित है जिससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित
किसी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ओ को केंद्र मानकर, अब ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं बिंदु पी के चारों ओर, बिंदु पी के चारों ओर लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए स्थित है। डी ए की दिशा या दोनों के एक साथ में ही लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डीए की दिशा त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर और बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या एक साथ में लिख सकते हैं, बिंदु पी पर ई वेक्टर व डीए वेक्टर परस्पर समदिश है। समदिश है मतलब एक ही दिशा में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डीए की दिशा त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या दोनों लाइनों के एक एक, एक लाइन में अगर लिखना चाहे तो बिंदु पी पर ई वेक्टर व डीए वेक्टर परस्पर समदिश है। तो क्या लिखा, माना बिंदु ओ पर कोई आवेश प्लस क्यू स्थित है जिससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का गोली गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। बिंदु पी के चारों ओर लघु क्षेत्रफल अवयव डीए स्थित है। बिंदु पी पर ई वेक्टर व डीए वेक्टर परस्पर समदिश है। अब हम पहला काम क्या करेंगे, लघु क्षेत्रफल अवयव से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि हम यहां पर नीचे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है तो हम इसको मिटा करके, आपको इसी के नीचे लिखना है, हम इसको मिटा करके लिख रहे हैं। इसके नीचे आपको क्या लिखना है, पहला काम आपको क्या करना है, लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स हम डी फाई से डिनोट करते हैं और ये होता है ई डॉट डीए। देखिए ए डॉट बी को तोड़ेंगे तो ए बी का थीटा, ई डॉट डीए क्या हो जाएगा, ई डीए का थीटा, क्योंकि ई वेक्टर और डीए वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं, तो अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में तो उनके बीच का कोण जीरो अंश होता है, तो ई डॉट डीए, तो अगर तो ई और डीए के बीच का कोण जीरो है तो ई डॉट डीए क्या हो जाएगा, ई डीए का जीरो। तो आप इसको लिखेंगे ई डीए का जीरो, और का जीरो का मान एक होता है तो यहां एक रखोगे, एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको हटा दिया। अगला काम क्या करेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि यह वैद्युत फ्लक्स किसकी सहायता से आप निकाल, वैद्युत क्षेत्र किसकी सहायता से निकालने जा रहे हैं, गॉस के प्रमेय से, तो हम यहां गॉस का प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स, इसको मैथमेटिकली तो गॉस का प्रमेय क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई माध्यम है तो यहां पर के लगा देंगे,
हमने यहां माध्यम का जिक्र नहीं किया, तो वाई या निर्वात मान लिया, तो यहां पर के का मान एक हो जाएगा, एक का एप्सिलॉन नॉट पे गुणा करेंगे एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता है, ये गासेम पृष्ठ के भीतर का आवेश, बंद पृष्ठ के भीतर का आवेश, तो बंद पृष्ठ के भीतर में कितना आवेश दिख रहा है, प्लस क्यू, इसलिए यहां क्यू की जगह क्यू लिखेंगे। लेकिन अगर यहां पर मान लिया कोई दूसरा आवेश होता कैपिटल क्यू, तो अब यहां क्यू की जगह पर क्या लिखते, कैपिटल क्यू लिखते। यानी आपको यहां पर कौन सा आवेश लेंगे, जो आपको गासेम पृष्ठ के भीतर में होगा, यानी बंद पृष्ठ के भीतर में होगा, जिससे आप फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। तो यहां बगल में हम लोग दिखाएंगे, ये रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क होता है, इसको हम परिशिष्ट बोलते हैं। तो जहां स्मॉल क्यू गासियन पृष्ठ से परिबद्ध हो आवेश, तो स्मॉल क्यू क्या है, गासियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो आपको यह हो जाएगा, तो ई डॉट डीए के जगह पर क्या है, ई डीए है, ई डीए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यहां पर इंटीग्रेशन आप, तो इंटीग्रेशन आप ई डॉट डीए फॉर इनक्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आर दूरी पर जितना पॉइंट होगा सब जगह वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, सेम होगा, तो इंटीग्रेशन में, यानी आपको ये कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो इसी को बाहर निकालेंगे। तो अगर हम इसी को बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए डीए किस पर है, ये गासियन पृष्ठ पर है, और इसकी त्रिज्या कितना है स्मॉल आर, इंटीग्रेशन पता होता है जोड़, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब आपको गासियन पृष्ठ पर जितना डीए है सबके सब डीए का जोड़, सब डीए का जोड़ मतलब गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बताइए गासियन पृष्ठ कैसा है, गोलाकार है और उस गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीए हो जाएगा इस गासियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और चूंकि ये गोला है तो गोले का क्षेत्रफल 4πr² ये हो जाएगा ई इंटू 4πr² इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इस 4πr² उधर ले जाइए तो बताइए E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4π को एप्सिलॉन नॉट के साथ मिलकी है और r² को Q के साथ में, तो आपको ये बन जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये 4π उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट, और ये r² जाएगा, Q के नीचे लगा दिया तो Q/r², तो ये बिंदु आवेश के कारण क्या हो गया, r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो पहला आपको यह हो गया, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, गॉस का प्रमेय क्या है, इसकी सहायता से बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान व्यंजक प्राप्त कीजिए, और गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए। तो आपको ये गॉस के प्रमेय की सहायता से आपको r दूरी पर, या आपने पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था कि क्यू आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आपको ये होता है। अब हम इसी की सहायता से, ये आपने जो फार्मूला निकाला है ये किसकी सहायता से निकाला, गॉस के प्रमेय की सहायता से, अब हम इसकी सहायता से कूलाम के नियम की व्याख्या करेंगे। अब कूलाम का नियम क्या होता है, 1/4πε0Q1Q2/r². तो इसी में आपको अगली हेडिंग रहेगी, ये इसी का पार्ट है, अलग से हेडिंग नहीं है, ये इसी हेडिंग के अंतर्गत आपको ये अगली हेडिंग है, इसी के नीचे से आपको लिखना है गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्याख्या, गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्याख्या। तो आपको कूलाम के नियम में दो आवेश होने चाहिए, एक आवेश तो दिया है लेकिन दूसरा आवेश दिया नहीं है, तो दूसरा आवेश मान लिया आपको बिंदु P पर है, यहां बिंदु P पर, तो इसके लिए यदि बिंदु P पर कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल
एफ बराबर। देखिए आपने परिभाषा से आपको जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, जिस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र आपको निकालेंगे उस पॉइंट पर परीक्षण आवेश को लेंगे और उस परीक्षण आवेश पर आप बल लेंगे। तो देखिए आपको यह पॉइंट पी है, तो आपको कूलाम के नियम की व्याख्या करना है। तो मान लिया बिंदु पी पर कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है और बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना ई है, तो अगर किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर बल लगेगा। तो बताइए परिभाषा से ई बराबर आपने क्या पढ़ा हुआ है, एफ अपॉन क्यू नॉट, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट पढ़ा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई। तो अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर लगने वाला बल यह बराबर क्यू इंटू ई, क्योंकि यहां क्यू क्या है, क्यू नॉट यानी परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू नॉट से। तो आप बताइए यहां से एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ई, और ई का मान कितना अभी आपने निकाला है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इस क्यू नॉट को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करिए, एफ बराबर हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो आप ये देखिए यहां पर कूलाम का नियम है क्या, कूलाम का नियम होता क्या है, अगर दो बिंदु आवेश क्यू वन और क्यू टू एक दूसरे से साथ दूरी पर है तो बताइए इनके बीच में लगने वाले बल का, इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है, एफ बराबर होता है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर दो आवेश लिया गया है, एक आवेश यहां पर, दूसरा आवेश आपने यहां पर परीक्षण आवेश एज्यूम किया है। तो बताइए बिंदु ओ पर आपने कितना आवेश लिया है, प्लस क्यू, और बिंदु पी पर कितना आवेश लिया है, प्लस क्यू नॉट, और दोनों के बीच की दूरी आर है। तो बताइए बल का फार्मूला कितना मिला है, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट पान आर स्क्वायर, ये मान आपको मिला है इस बल का। तो आप ये देखिए क्यू वन की जगह यहां पर क्या गया, क्यू आ गया, क्यू वन की जगह क्यू, और क्यू टू की जगह पर यहां पर क्या है, क्यू नॉट। तो आप देखिए यही तो कूलाम का नियम है, यह बराबर वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू पान आर स्क्वायर। क्यू वन मतलब पहला आवेश, क्यू टू मतलब दूसरा आवेश, तो पहला आवेश क्यू है और दूसरा आवेश क्या है, क्यू नॉट। ये आपको कूलाम के नियम की व्याख्या हो गई। तो कूलाम के नियम की व्याख्या आपसे पूछा जाएगा तो यहीं तक आपको लिखना है।